हम हैं खेड़ी गांव में, जहां कलकल बहती नदी, खड़ी लहलाती फसल में किसान, चहकती चिड़िया और नन्हे मुन्हे बच्चों की किलकारी, कितना अच्छा लगता है। ये एक स्वस्थ भारत, गांव के भारत की ओर इशारा करता है। लेकिन क्या गांव का भारत स्वस्थ है? आइए देखते हैं आज हमारी सीएनई दीदी क्या करने जा रही है। बेबी कैसी है? हेलो नी बेबी पटो जी जी चल सब कैसा छे? सब अच्छा छे। हारो क्या कर रहा है अभी? कई भी नहीं, पापा धाड़की धंधो जायल छे। मैं घर कौन छे? मां ससुरो छे, मां देवर छे, ननन छे, एक पापा छे, हम छी छे, ने एक देवर आयल छे। तो काय एक पापा काय करे? ये पापा धाड़की करे। ऐसे अनवानी अनवानी क्यों छे? ओके तबीयत खराब काई हो गो का? बुखार नहीं, कमर से बुखार रहना आई रे। वो 3-4 दिन होगा। हां फिर एक का खाद के नहीं कहीं खाते हैं? सब खाते पर हम बुखार नहीं, जब तक नहीं खाती है तो कहीं खावा ना है। हम खाती नहीं, कैसा खा लूं? वो पसंद जी आवो वो को जरा जरा सा देनू। पसंद तो खाली नेत्र लाइन धरा के खाती नहीं है। फिर दिन में 2-3 चक्कर अपना हाथ से उसको खवाड़नु। जब जो नहीं खाए तब भी तब थोड़ा 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 खवाड़ता रहे। खवाड़ात के को दिन में 2-3 चक्कर तो खाई लेते। खाई ले? हां। तुम्हारा दूध मतलब 6 महीना तक पेवाड़ो? हां 6-7 महीना तक पिलाया को। ने ओका तुम्हारा दूध का अलावा तुम नो को कई उपरी आहार कई खावा खवाड़े करे? नहीं खवाड़े। क्यों नहीं खवाड़े? के वो खाती नहीं थी तक मैं अपन खाड़े भी नहीं। नहीं मारा दूध तो रहती चार कोई नहीं खाती थी। नहीं पर आदत करनो तो नहीं तुम्हारी? अरे सब टीका हुई गया? हाँ पूरा ही। तभी टीका सलोनी का आंगनवाड़ी ले जावा? हाँ ले जावा, पर कभी कभार ले जावा। हाँ जाऊंगा तो जाएगा, नहीं नहीं जाने की। नहीं पर रोज ले जाया करनो? जाती नहीं आई। नहीं वहाँ को मतलब कि आहार जी मिलत नहीं, पोषण आहार। हाँ। तो वो को थोड़ा थोड़ा करनो, वो को मतलब थोड़ा फायदा कर देनी। वो तो खाएगा फिर घर को काम कौन करेगा? वो को मालिन जाओ कि घर को काम कर देने का डब्बा तैयार करना पड़े। सलोनी का टेप से नाप ले लो जी। गंभीर कुपोषण का पहचानना का लेन एमसी टेप से बच्चा की बाई भुजा को नाप लियो जाए, न टेप में लाल रंग आवना पर इस बात की पुष्टि हुई जाए कि बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित छे। अभी वो सलोनी थे तो लाल पट्टी मारी रही है नी। हाँ। तो वो खता है अपन का बाल शक्ति केंद्र में भर्ती करना पड़ेगा। अचानक से वो कमजोरी रही थी तो ये अभी काय कारण थे? ये अभी भी बीमार पड़ी रही, तुमको बार बार वो बुखार आ रही है नी। हाँ। बीमार पड़ रही, ये वो लक्षण है नी। तो अपन का बाल शक्ति केंद्र में भर्ती करना पड़ेगा, खालवा में नहीं तो खंडवा में। करी तो देवंगा, फिर घर को भी तो टेंशन रहेगा, पूरे को भर्ती कर दिया फिर हम तो बाल शक्ति केंद्र में जाओगा। हाँ। तो तुमका रोज की धाड़की भी मिलेगा। अब यहाँ पे तो तुम धाड़की नहीं करता है नहीं, नहीं करता। तो वहाँ पर तो तुमको धाड़की मिलेगा 70 रुपए रोज का हिसाब से। हाँ। है नहीं? और वो साथ में बच्ची को इलाज भी हो जाएगा। हाँ। है नहीं? अच्छा इलाज हो जाएगा और वो अलावा तुमका भी खाना का मिलेगा, बच्ची का भी खाना पीना का भी, सब पूरा फ्री इलाज। और बार बार डॉक्टर आई ने देखा है नहीं। चलो रोशनी चलो एक अपना आंगनवाड़ी लाइन में चला। चलो माता पिता को अपने उन बच्चों को हर रोज आंगनवाड़ी भेजना जरूरी है जिनकी उम्र 5 वर्ष के भीतर है, जिससे हर माह बच्चे का वजन हो, वृद्धि चार्ट और MUSC टेप की सहायता से उनका पोषण स्तर पता चल सके। सब बच्चों को भी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? अच्छे है ना? अच्छा दीदी मैं आपके पास आई थी, बैठिए। आप भी बैठो है ना। मैं इस बच्ची को इनके घर गई थी है ना, सलोनी को देखा तो उसका नाप लिया
तो उस नाक में वो मतलब कि 11 पॉइंट में है, कमजोर है ना? हाँ कमजोर है ना वो। तो इसको मैं अभी समझाया मोमबत्ती करने के लिए, तो आपके पास मैं आई हूँ कि आप इसका वजन कर दो, है ना? तो वजन कर लेंगे तो फिर पता चलेगा ना स्थिति का ना। वजन कर लेते ना, वजन ऐसे काम होगा हमेशा। बच्चा में कुपोषण को पता लगावना का लेन दूसरो तरीको ई छे कि हर माह बच्चा का आंगनवाड़ी में वजन करीना वक वृद्धि चार्ट में दर्शायो जाए। नीचे बैठो भाभी। भाभी आपकी छोरी को वजन बहुत कम चाहिए को, या एक ही उम्र हुई है 2 साल की, नहीं को वजन फुल 6.5 किलो अपन ना, एक वजन आप भी लियो नहीं। हाँ। 6.5 किलो तुम्हारा सामने तुमने देखियो। हाँ। या कुपोषण की श्रेणी मेरी देखो वजन कितना होना चाहिए 8-9 किलो, पर अभी एक वजन तुमने ध्यान नहीं दिया, एक ऊपर खाना पीना पिलाना पर, एक रहन सहन पे, एक साफ सफाई पर ध्यान नहीं दियो, एक कारण ये बच्ची कुपोषित में आई गई। तो आप एक अपन जल्दी से जल्दी एक ठीक करना का लिए अपन NRC में भर्ती करना पड़ेगा। देखो तो मैंने बहुत ख्याल रखियो, जत्ती गढ़ उत्ती गढ़ देखना पड़ा, गीला में तू रहती नहीं है तब भी तो को देखू तो नहीं गीला सी मतलब नहीं, एक खाना पीना पर तुमने एक ढंग से टाइम जी हरी सब्जी भाजी दाल चावल दाल थूली ये वगैरह सब चीज़ों का खिलानो तो अब तुमने ये खाना पीना पर ध्यान नहीं दिया, एक कारण देखो तुम्हारी बच्ची कुपोषित हुई है। एक वजन कम से हो, एक तुमको वृद्धि चार्ट का हिसाब से बताऊँ कि यह कहाँ की लाइन में रहे हो, जरा भी लाइन ना खींची ना मैं तुमको बताऊँ कि यह कहाँ की वो मई रही। भाभी इसका वजन 6.5 किलो है, देखो तो ये बच्ची ना ये हरा मानू तो या पीला मानू तो, पर यह लाल मई रही यानी यह बहुत गंभीर कुपोषण में है। एक वजन देखो मैंने अभी निकालो नहीं तो कुल 6.5 किलो, तो यह कितना लाल मईगी यानी खतरा को ऊपर दिया न। आओ अब हम देखांज कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चा की पहचान कैसे की जा सके। बच्चा बहुत कमजोर न दुबलो पतलो हुई जाए, बच्चा चिड़चिड़ा न सुस्त हुई जाए, शरीर की सभी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे, बच्चा का उठावना पर चमड़ी लटकी दिखाई दे, न पुट्ठा दबी जाए वका आस पास की चमड़ी लटकी जाए। राम राम जी जी राम राम सुनाओ जी। अच्छा अच्छा कि तुम यहाँ मिली गया। हाँ। तुम्हारे से बात करनू तुम का। बिल्कुल करो। ये सलोनी का हम वहाँ ले गया था आंगनवाड़ी में। हाँ। आंगनवाड़ी वाली मैडम के पास। हाँ। वहाँ को वजन करियो। ठीक। तो वजन एको कम निकलो। अच्छा। वजन में बच्ची बहुत कम निकली। हाँ। कितने किलो की? एको 6.5 किलो वजन निकलो। बहुत कम है। हाँ न तो ऐसे एक ये उम्र का मांस ही कम छे। अच्छा। न तो ये उम्र का बच्चा को 9-9.5 किलो निकलू तो कम से कम बराबर है नहीं। तो ये हमारी हमने आंगनवाड़ी दीदी ना हमने बात करी ना समझायो कि ये सलोनी का वहाँ बाल शक्ति केंद्र में अपन इलाज कर लेन भर्ती कर देवांगा। से भी विचार तुम देना चाह रहा। हाँ तो हमारी सलाह ये थी कि तुम्हारे से बात कर लेवा। तुमने जो समझाया वो बात का समझ में आई, लेकिन कारण कही थी बाल शक्ति केंद्र का ही बात से ये समझ में नहीं आई। इस स्थिति में आसोचे ऐसी परेशानी में हो मुसीबत में कि छोरी के लिए नहीं जा सकता, तो तुम समझाओ कि बाल शक्ति में काई हो काई नहीं होता। देखो ये बच्चा को मतलब वहाँ पर फ्री इलाज होता अच्छा। है नहीं। हाँ। और एक दिन की धाड़ की भी तुमको मिलेगा, ऐसी परेशानी छे नहीं जी। हाँ। तो परेशानी भी बच्चे का तुम भर्ती करोगा। हाँ। ओको फ्री इलाज होएगा। हाँ। डॉक्टर समय समय पर देखेगा। हाँ? ओको समय समय पर खानो मिलेगा। हाँ। भाई का भी खानो मिलेगा। हाँ? ना ओको धाड़ की भी मिलेगा, 70 रुपये रोज का हिसाब से धाड़ की मिलेगा। वो बात तो मानी, लेकिन कारण जी अभी स्थिति ऐसी कि घर में रोटी कौन बनाओगा, काम धंधा कौन करेगा, फिर तुम हम ऐसी परेशानी का देखो परेशानी तो छोरी का नहीं भेज सकता। तुम ऐसी परेशानी का देखोगे तो फिर बच्चा का काय देखोगा? बच्चा का अपन को देख लो नहीं। हाँ। बच्चों कमजोर रह जाएगा फिर तुम काय करोगा फिर वो कबाद छोरी का तो अभी इलाज करा रहेगा नहीं पर पैसा धाड़की करेंगे पैसा इलाज करा तुम वहाँ तुमको धाड़की की जरूरत नहीं वहाँ तो फ्री इलाज हो नहीं
डॉक्टर सब देखा, समय समय पर डॉक्टर गोली दवाई है नहीं, वजन खानो पीनो सब अच्छा से होता है, और धड़की की धड़की भी मिलेगा। अब देखा तो विचार कहाँ है, भी तुमको बताया थे नहीं भाई, तब तुमको समझ में कि छोरी का भर्ती करना जरूरी है, हाँ तो फिर करवा जाऊँगा, थोड़ा सा विचार कहीं ना बता जाऊँगा तुमको। तो ये बात थी हमारी, तो तुमको बताने के लिए सलोनी पाप बाहर आओ कहीं को आंगनवाड़ी मैडम नमक बुलाए थो, उनने कहा कि सलोनी को वजन कम छे ते को भर्ती करना कोई पर तुमका आंगनवाड़ी मैडम ने कही कहो तो भाई मैडम ने समझाया था आज समझाया तुमको कि बच्ची के अस्पताल में इलाज करने के लिए भर्ती करनी थी, तो अपना डॉक्टर ने डॉक्टर तो बहुत छे बेटा, पर हम तो प्राइवेट प्राइवेट हो सरकारी सरकारी तो नहीं वहाँ रहेगा कौन, देखभाल कौन करेगा, देखभाल की चिंता मत करो, वहाँ नर्स है, नर्स देखभाल कर लेगा ना, तो पूरी जवाबदारी उनका ऊपर रहनी, भाई इच्छा हुआ है तो तू खुद जाए देख लीजिए अस्पताल में नर्स की देखभाल करे कि नहीं, खाना पीना कैसे मिले कैसे इलाज हो, तो अखन कर लो अस्पताल में भर्ती नहीं करूँ इलाज अस्पताल में, तो प्राइवेट पैसा कहाँ तक लगा हुआ नहीं, ये भी बाल शक्ति केंद्र है अस्पताल में मजदूरी का पैसा नहीं लगा, नहीं लगा हमको पैसा भी चाहिए ना, हमको इलाज भी नहीं कराना है, तो फिर आगे चले अपना भविष्य में बच्चा ना क्या, कोई आंगनबाड़ी कोई मैडम भी कोई मदद करने की, अपनी कोई सुपरवाइजर ने मदद करने की, कोई आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी मदद करने की, फायदों का ही फायदा बहुत है माँ, सब फायदों से इलाज की इलाज भी होगा, मजदूरी मिलेगा 70 रोज के हिसाब से, बच्चे की देखभाल भी करेगा, अपन इलाज कराने का मजदूरी अपन तो अपना सभी फायदा है नहीं, दवाई गोली फ्री मिलेगा, देखभाल भी होगा, बच्चे भी स्वच्छ रहेगा, मजदूरी भी मिलेगा, ना तुमको ये इलाज भी नहीं कराना है तो तुम्हारे पास इतना पैसा है प्राइवेट में तो करा लो, मखान मालूम तुम तुम्हारे जान जो तुम्हारा काम पर जा रहे तुमका जहाँ ले जाना वहाँ ले जा जाओ, हाँ तो ले जाऊँगा ना, फिर बाद में जो भी हानिकारक होगा तुम निपट जाओ, निपटी लूँगा बस, तुम्हारा जिम्मेदारी रहेगा। हाँ मैंने पापा से बात कर ली जाना का लेना, तो कल जाऊंगा आंगनवाड़ी मैडम माँ ससुर बाल शक्ति केंद्र में। हमने देखा हमारे नौनिहालों को कुपोषण से बचाने के लिए सभी के साझा प्रयास की ज़रूरत है। अंत में रोशनी अपनी नन्ही परी को लेकर एक नई सुबह की ओर चल पड़ी। NRC में इलाज करवाने का बाद रोशनी भी सभी बच्चा जैसी स्वस्थ हुई गई। अपनाने वाला मुख्य बिंदु न अति कुपोषित बाड़क की हड्डी और पसड़े न साफ साफ दिखाई दे, आज बाड़क का उठावना पर चमड़े लटकी जाज और पुट्ठा का आसपास की चमड़ी दबई जाज, अति कुपोषित बाड़क दुबलो पतलो सुस्त और चिड़चिड़ो हुई जाज। यदि बाड़क की बाई भुजा को मध्य भाग MUSC टेप सी नापना पर लाल रंग में दिखज तो असो बाड़क अति कुपोषित रहज। अति कुपोषित बाड़क इलाज कलेन NRC में भर्ती करावज। अति कुपोषण एक गंभीर स्थिति छे जिमें बाड़क की जान जावना को खतरो हुई सकज, इकलिए बाड़क को डॉक्टरी इलाज कराणु बहुत जरूरी रहे। NRC में अति कुपोषित बाड़क का 14 या 21 दिन तक मुफ्त इलाज करज, न साथ में रहना और खान पीन की भी मुफ्त व्यवस्था रहज।